हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी बर्थडे साहिल। नींद में सराबोर मेरी आंखें इन्हीं शब्दों के साथ खुली। हाथों में गुलदस्ता और प्यारी सी मुस्कान लिए सामने खड़ी थी नेहा। नीला सूट, सफेद चुनरी, काली बिंदी और झुमके पहने नेहा। मैं उसे एक पल देखता ही रह गया। कितनी सुंदर लग रही थी। उसने आगे बढ़कर मुझे गुलदस्ता दिया और मुस्कुराते हुए मैंने उसे शुक्रिया कहा। मेरा जन्मदिन तुम्हें याद था, मैंने पूछा। बिल्कुल, हमारी शादी की सालगिरह के ठीक 6 महीने बाद तुम्हारा जन्मदिन आता है। वैसे भी मुझे सब याद रहता है, तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि हर चीज याद दिलानी पड़े, नेहा ने शरारती अंदाज में कहा। इससे पहले मैं कुछ कहता वो फिर बोल पड़ी। सुनो, मैंने इडली सांभर, लस्सी, ब्रेड रोल और रस मलाई बनाई है तुम्हारे लिए, वह भी सुबह जल्दी उठकर। इसीलिए जल्दी बाहर आ जाओ और सुन लो, जैसी भी बनी हो तारीफ करनी पड़ेगी। किसी जीते हुए योद्धा की भांति उसने मुझे छेड़ा और हंसते हुए बाहर चली गई। ऐसी ही थी मेरी नेहा। शादी के बाद विदाई के समय उसकी आंखों में आंसू देखे थे। उसके बाद मैं कभी भी समझ नहीं पाया कि कोई इतना खुश कैसे रह सकता है। अपने आसपास जहां हर आदमी अपनी छोटी से छोटी समस्या में भी दुखी दिखाई पड़ता है, वही नेहा अपनी सभी परेशानियों में भी हर दिन और चुलबुली होती गई। उसके अंदर पत्थर को भी हंसाने की ताकत थी। उसके लिए असीम प्रेम और इज्जत का भाव मेरे लिए। मैं दफ्तर के लिए तैयार हो गया और बाहर पहुंचा। नेहा मेज पर बैठी अपने फोन पर कुछ लिख रही थी। मेज को उसने कितने करीने से सजाया था। उसने मुझे देखा और एक तंज दाग दिया। कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ, बहुत भूख लग रही है और तुम इतनी देर से आ रहे हो। तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया, पर क्यों, मैंने पूछा। बस, मुस्कुरा दी और मेरी थाली में इडली परोसने लगी। आज तुम्हें क्या तोहफा चाहिए, शाम को दफ्तर से लौटते समय लेकर आऊंगी, उसने मुझसे कहा। हम अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चले हैं कि अपने प्रियजनों के लिए भी ठीक से समय नहीं निकाल पाते, नेहा के जवाब में मैंने कहा। मैं तुम्हारा थोड़ा समय मांगता हूँ, आज शाम कहीं बाहर चलते हैं, साथ साथ, सिर्फ हम और तुम। हंस पड़ी और कहा, दिया, मैंने अपना सारा समय तुम्हें दिया, तो ये तय रहा, शाम को तुम मुझे दफ्तर से लेने आओगे और फिर हम खाना खाने मुगलई रेस्तरां चलेंगे। नेहा को दफ्तर छोड़ने के पश्चात जब मैं वहां से जाने लगा तो मैंने देखा नेहा एकटक होकर व्याकुलता से मुझे देख रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया, मानो वह कह रही हो कि रुक जाओ साहिल, मुझे छोड़कर मत जाओ। परंतु मैंने गाड़ी घुमाई और अपने दफ्तर की ओर चल पड़ा। पर काश मैंने उसकी बात मान ली होती। शाम को मैं दफ्तर से निकल ही रहा था कि अचानक एक अति महत्वपूर्ण काम आ गया, जिसके कारण मुझे दफ्तर में कुछ देर के लिए और रुकना पड़ा। मैंने ये बात नेहा को भी बताई कि मैं उसे लेने नहीं आ पाऊंगा और उसने कहा कि वह खुद ही मुगलई रेस्तरां पहुंचे। मेरे नेहा को यह बात बताने के बाद वह कुछ बोली नहीं और न ही संपर्क काटा। उसने बस इतना कहकर अपना भ्रमण भाष रख दिया कि ठीक है, पर इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। कुछ अंतराल के बाद मैं उस रेस्तरां में पहुंचा। नेहा को वहां ना पाकर मैं उसका इंतजार करने लगा। मैंने नेहा के भ्रमण भाष पर कई बार संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, परंतु वह बंद था। मैं समझ गया कि यह नेहा की नाराजगी से उत्पन्न शरारत होगी कि मैं उसे लेने नहीं आया, और इसीलिए मैं नेहा के दफ्तर चला गया। वहां मुझे पता चला कि नेहा 1 घंटे पूर्व ही वहां से निकल चुकी थी। मैंने गाड़ी घुमाई और दोबारा रेस्तरां की तरफ बढ़ चला। रास्ते में मैं राहगीरों को देखता जा रहा था कि नेहा दिख जाए, पर वह नहीं मिली। मैं कुछ घबरा गया क्योंकि कई बार नेहा मुझसे नाराज हुई थी, किंतु वैसा व्यवहार उसने कभी नहीं किया था। नेहा का फोन भी अभी बंद था। मुझे को लगा कि शायद नेहा घर चली गई हो, इसीलिए मैं भी घर चला गया। घर बंद था और नेहा अभी तक घर भी नहीं पहुंची थी। रात्रि के 9 बज चुके थे। नेहा बिन बताए इतनी देर तक कभी भी घर से बाहर नहीं रही थी। मेरा दिल गले को आ रहा था, परंतु मैं यही सोच रहा था कि नाराजगी में मुझे परेशान करने के लिए वह किसी सहेली के घर चली गई होगी और अपने भ्रमण भाष को बंद कर दिया होगा। सुबह खुद ही आ जाएगी, पर यह कोई तरीका नहीं होता है। इस बार उसने अच्छा नहीं किया। ऐसे कैसे मजाक की सामने वाले की जान ही सूख जाए।
रात में श्वान निद्रा ही ले पाया। हर थोड़ी देर के अंतराल पर मेरी नींद खुल जाती थी। सुबह 7 बजे मेरा फोन बजने लगा। फोन नेहा का ही होगा ऐसा मानकर मैंने फोन उठाया। सामने से आवाज आई, मिस्टर साहिल। डर गया और उस अनजान आवाज के बारे में पूछने लगा। मेरा नाम इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार है। मुगलई रेस्तरां के पास जंगल वाली सड़क पर हमें नेहा नाम की लड़की बेसुध हालत में मिली है। आपका नंबर उनके फोन से ही मिला। हम उन्हें नागरिक अस्पताल ले जा रहे हैं। आप भी जल्द पहुंच जाइए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा शरीर इस त्रासदी का भार सह न पाया और सुन पड़ गया। मेरा मन शून्य की दशा में चला गया। किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए मैं अस्पताल पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, मैं साहिल, नेहा का पति, मैं बोला। तो आप आ गए साहिल जी, इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार ने जवाब दिया। आपकी पत्नी बहुत भाग्यशाली है कि इतनी सुनसान सड़क पर भी कुछ लकड़हारों ने इन्हें देख लिया और हमें बता दिया, वरना कुछ भी हो सकता था। नेहा के साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश की गई है। वह इस समय कमरा संख्या 10 में है। जाइए, आपकी जरूरत है उन्हें। मैं दौड़ता हुआ उस कमरे में पहुंचा और नेहा को देखते ही पत्थर बन गया। नीले कपड़ों में नेहा बिस्तर पर लेटी थी। तमाम मशीनें और डॉक्टर यही बता रहे थे कि वह खतरे से बाहर थी। उसकी आंखें एकटक कमरे की छत को निहार रही थी। उसके शरीर में सांसों के अतिरिक्त कोई हलचल नहीं हो रही थी। अति मंद गति से चलती उसकी सांसों में भी कितना भार होगा, ये सिर्फ नेहा ही जानती थी। कभी न चुप रहने वाली चुलबुली नेहा एक बेजान पुतले की तरह पड़ी थी। यह देखकर मेरे शरीर की ताकत भी बाहर निकल गई और मैं अपने घुटनों पर गिर पड़ा। नेहा की ऐसी हालत मुझसे देखी न जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे संभाला और नेहा के पास बिठा दिया। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था और मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि सुबह मैंने उसे अकेला क्यों छोड़ा। मैंने नेहा के हाथों को स्पर्श किया और कहने लगा, हमें तो बाहर खाना खाने जाना है, अब तुम ही देर कर रही हो। तत्पश्चात मैं चुप हो गया और विलाप करने लगा। मैं नेहा के पास ही रहता और इस बात का ध्यान रखता कि नेहा के इलाज में कोई कमी ना आए। 3 दिन बाद नेहा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं उसे पकड़कर गाड़ी तक लाया। उस कूदती फुदकती नेहा को आज अपने पैर घसीटने पड़ रहे थे। यह प्रतीत होता था मानो वह अपने ऊपर कितने 100 किलो का वजन लादे हुए थी। मैं उसे घर ले आया। जब मेरी गाड़ी मेरे घर के नीचे रुकी, तब सब मोहल्ले वाले तमाशा देखने आ गए थे। कुछ लोगों की संवेदनहीन बातें मेरे कान में पड़ने लगी। नेहा और मेरी पीड़ा जानने के बाद भी कोई हमारा हाल पूछने नहीं आया, बल्कि कुछ लोग अपने घरों की खिड़की बंद करते दिखे। ये लोग उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संवेदनहीन हो चुका है, जिसे अपनी सहेली से फोन पर गप्पे हाँकने के लिए कोई भी खबर चाहिए। वह समाज जो मरते इंसान की सहायता करने की बजाय उसकी तस्वीर खींचने में लगा रहता है, उससे और कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती थी। दुख इस बात का था कि हमारे खुशी के दिनों में मदद और मानवता के डिंगे हाँकने वाले ने आज एक लड़की को इंसान मानने से भी इनकार कर दिया था। परंतु मुझे इन बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेहा आज भी मेरे लिए उतनी ही खास और मूल्यवान थी जितनी पहले। अत्यंत भारी मन से मैं नेहा को घर के अंदर लाया और उसी बिस्तर पर लिटा दिया जिस पर से नेहा ने ही मुझे 3 दिन पहले उठाया था। उसे देखकर मैं बस यही सोच रहा था कि उस दिन नेहा मेरे उठने का इंतजार कर रही थी और अब न जाने कितने दिनों तक मैं उसके उठने का इंतजार करता रहूंगा। मैंने तोहफे में उससे उसका सिर्फ थोड़ा समय मांगा था, परंतु वह इस स्वरूप में मिलेगा मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात हो चली थी, इसीलिए नेहा को वही छोड़कर मैं नीचे उसके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करने चला गया। वहां फ्रिज में नेहा की बनाई रसमलाई अभी भी रखी थी। उसने मेरे लिए कितने प्यार से बनाई थी। मैं और सामान देख ही रहा था कि अचानक नेहा के चीखने की आवाज आने लगी। सब कुछ छोड़कर मैं ऊपर भागा। नेहा बिस्तर पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वो मुझे मार देगा। वह भ्रम की अवस्था में चली गई थी और उसका मस्तिष्क उसे पुराने घटनाक्रम की तस्वीरें दिखा रहा था। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी और शरीर से पसीने का प्रवाह अत्यंत ही प्रबल हो गया था। मैं शीघ्रता से उसके पास गया और उसका हाथ थामा ताकि मैं अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकूं। नेहा ने एकाएक मुझे पकड़ लिया। मैं उसे बार बार ये कहने लगा कि सब ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है, वह कोई नहीं है। मैंने उसे लिटाया और उसके माथे पर हाथ सहलाने लगा। नेहा धीरे धीरे शांत हो गई।
मैं उसे अभी भी यही कह रहा था कि मैं उसके पास ही हूँ और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। नेहा ने कुछ नहीं कहा, परंतु मैंने देखा उसकी आंखों के कोनों से एक आंसू की बूंद बह गई। मैं दोबारा उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने के लिए उठने लगा तो नेहा ने मुझे और जोर से पकड़ लिया। वो पुनः व्याकुलता से मेरी तरफ देख रही थी, मानो कह रही हो, रुक जाओ साहिल, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। इस बार मैंने अपनी गलती नहीं दोहराई और उसके पास बैठा रहा। कुछ अंतराल के बाद नेहा सो गई। दुख और क्रोध की प्रचंड लहरें मेरे मन में उफान कर पर थी। नेहा को किसी दवा और चिकित्सक से ज्यादा अपनेपन और प्यार की जरूरत थी। उसके चूर हुए आत्मविश्वास को पुनः फर्श से अर्श तक ले जाने की जरूरत थी। नेहा के अंदर चल रही लड़ाई में अब मेरे योगदान की बारी थी और मैंने भी यह निश्चय कर लिया था कि मैं उसे पहले जैसा बनाकर ही दम लूंगा। नेहा हमेशा अपने इर्द गिर्द लोगों की अनुभूति करती थी और इसीलिए उसे सदा तनाव व भ्रम में ही देखता था। यह डर और चिल्लाना अब मानो रोज का सिलसिला हो गया था। उसको शांत करना बहुत मुश्किल काम हो गया था। एक रात मैं नेहा को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। यूं तो वह खाने की शौकीन थी, पर अब एक साधारण रोटी भी वह खा नहीं पा रही थी। अचानक वह रोने लगी। न जाने इस बार उसके मन के किस रथी को तीर लगा था। कहने लगी, मुझे माफ कर दो साहिल, शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी जो मुझे यह सजा दी गई। मैंने कुछ तो ऐसा जरूर किया होगा जो मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे ही में सब कमियां है। मैं सबके लिए एक बोझ हूँ। इस बोझ से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मुझे छोड़कर चले जाओ, अब मैं तुम्हारे योग्य नहीं रही। नेहा के इस स्वरूप की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लड़की किसी निर्जीव में भी प्राण फूकने का सामर्थ्य रखती थी, वह आज इतनी टूट गई थी कि अपने आप को ही निराशा से बाहर निकाल नहीं पा रही थी। उसके मुख का तेज कहीं गुम हो गया था। नेहा ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, पर अब उसने अपने दिल पर न जाने कितनी बातों का भार डाल दिया था कि खुद ही अपने घुटने लगी थी। मैंने नेहा के आंसू पोंछे और उससे कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। तुम कितनी अच्छी हो, सबका कितना ध्यान रखती हो, तुमने कितने असहाय लोगों की मदद की है और वह आज कितनी अच्छी जगह पहुंच गए हैं। बस अड्डे पर वह लड़की तो तुम्हें याद ही होगी जो अपने परिवार से बिछुड़ गई थी। तुमने अथक प्रयासों से उसे उसके परिजनों से मिलवाया था। वह लोग तुम्हें देवता तुल्य मानते हैं। यदि तुम ऐसा न करती तो न जाने उस लड़की का जीवन आज कैसा होता। इसके बाद भी तुम कह रही हो कि तुम किसी पर बोझ हो। नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की इस दुनिया को बहुत जरूरत है। तुम अभी भी मेरे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी कि पहले। सब ठीक हो जाएगा। मेरी यह बातें नेहा के मन तक पहुंच रही थी कि नहीं, मैं नहीं जानता था, परंतु उसकी इन बातों ने मेरे मन को व्यथित कर दिया था। मेरा मन बस यही सोच रहा था कि नेहा कहीं अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा ले। कुछ ही दिन के अंतराल में मैंने सभी धारदार और नुकीली चीजों को घर से हटा दिया। नेहा का कमरा पहली मंजिल पर था, इसीलिए मैंने सभी खिड़कियों में जाली लगवा दी, सभी पंखे उतरवा दिए। ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इससे ये प्रमाणित हो रहा था कि मुझे नेहा पर भरोसा नहीं था। पर सच तो यह था कि इस बार मैं कमजोर पड़ गया था। मैं किसी भी स्थिति में नेहा को खो नहीं सकता था। मैं रोज उसके साथ बैठता, उससे बातें करता, उसकी तारीफ करता। मैं उसे वह सारी उपलब्धियां गिनवाता जो उसे लोगों का मसीहा दर्शाते हैं। पहले वह अपने प्रियजनों और सहेलियों से बातें किया करती थी, परंतु अब उनके फोन को स्वीकारती नहीं थी। उसे अपने आप को समाज से बिल्कुल काट लिया था। बस पूरे दिन सर झुकाए न जाने किन किन विचारों से लड़ती रहती थी। इतना प्रयास करने के बाद भी नेहा की हंसी वापस नहीं ला पा रहा था मैं। तभी विचार आया कि मेरे मित्र शर्मा जी की बच्ची नेहा के साथ खूब खेलती थी और उसके साथ नेहा भी खूब मजे करती थी। मैंने सोचा कि यदि वह यहाँ आ जाए तो नेहा को कुछ हल्के पल मिल जाए। यही आस लिए मैं शर्मा जी के घर पहुंचा। घर की घंटी बजाई तो भाभी जी ने दरवाजा खोला। मुझे देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बड़े ही अनमने ढंग से मुझे अंदर बिठाया गया और कुशल क्षेम के बदले बस यही पूछा कि आपको यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं। मैं सब कुछ समझ रहा था, इसीलिए अपने लिए शिष्टाचार की उम्मीद नहीं करता था। उस समय मेरे से ज्यादा नेहा महत्वपूर्ण थी। मैं सबका हालचाल ले
ही रहा था कि उनकी बच्ची अंकल अंकल करती मेरे पास आने लगी, पर उसकी माँ ने उसे डांट कर पुनः अंदर भेज दिया। मैंने सीधे ही अपने आने का प्रयोजन बताया, भाभी जी भाई साहब मैं नेहा को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और उसमें काफी सुधार भी है, परंतु अभी भी वो अंदर से घुटन महसूस करती है। मैंने देखा है कि जब आपकी बेटी हमारे यहाँ आती है तो नेहा उसके साथ खूब खेलती है और हंसी मजाक करती है, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि कुछ देर के लिए यदि आप उसे मेरे यहाँ ले आए तो नेहा को अच्छा लगेगा। शर्मा दंपत्ति एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा करने लगे और फिर भाभी जी ने कहा, नहीं नहीं मैं अपनी बच्ची को वहाँ कभी नहीं भेजूंगी, नेहा तो अपने चाल चलन की सजा भुगत रही है, मेरी बेटी उससे मिलेगी तो न जाने क्या क्या सीख जाएगी। मैंने सुना है कि नेहा रात में दफ्तर से निकलकर अपने पुरुष मित्रों के साथ खूब हंस हंस के बातें करती थी, यही सब मेरी बेटी को भी सिखाना चाहते हैं। आपसे अपनी पत्नी तो संभल नहीं रही और उम्मीद करते हैं कि मेरी बेटी उसे संभाले, माफ कीजिए ये नहीं हो सकता। मेरी बेबसी में बस यही सुनना बचा था। भाभी जी के माध्यम से हमारा समाज बोल रहा था जिसके अंदर से मानवता समाप्त हो चुकी है। किसी को भी सुध नहीं थी कि वास्तविकता क्या थी, पर सभी ने अपने अनुसार अपनी कहानी बना ली थी। उन्होंने दोषी चुन लिया, मुकदमा भी चला दिया और उस इंसान को सजा भी सुना दी जो खुद शिकार हुआ था। मेरी नेहा हारी नहीं थी, परंतु इस समाज ने उसे हरा दिया था। मैंने नेहा की पैरवी करते हुए कहा, भाभी जी आपने बिना कुछ जाने नेहा पर ही उंगली उठा दी, इस पूरे वाकये में उसकी लेश मात्र भी गलती नहीं थी, उसकी मनोदशा का आपको अंदाजा भी है? मैं उसे पहले जैसा बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसे थोड़ी खुशी मिल जाए इसीलिए आपसे सहायता मांगी थी, किंतु आपने तो उसके चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। इतनी बेइज्जती के बाद भी मैंने एक आखिरी कोशिश की और शर्मा जी की तरफ देखा, परंतु उन्होंने भी अपनी आंखों से वास्तविकता की जगह अपने मोबाइल को ही देखना बेहतर समझा। घर लौटते समय एक लाल बत्ती पर मैं रुका तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति फूल बेच रहा था। उन्हें देखकर मुझे वह गुलदस्ता याद आया जो नेहा ने मुझे मेरे जन्मदिन पर दिया था। मैंने भी उसके लिए एक लाल गुलाब का फूल और एक बहुरंगी फूलों का गुलदस्ता खरीद लिया। घर पहुंचकर मैंने एक मुस्कान के साथ वह फूल नेहा की तरफ बढ़ाया, परंतु वह उसे स्वीकारने की हिम्मत न जुटा पाई। मैंने उस फूल को उसकी गोद में रख दिया और वह गुलदस्ता उसके बगल में सजा दिया। कुछ अंतराल के पश्चात जब मैं पुनः उसके कमरे में आया तब वहां के बदले माहौल को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं दरवाजे पर ही खड़ा होकर उस पल को अपने अंदर समेटने लगा। नेहा उस गुलाब के फूल को हाथों में पकड़े निहार रही थी, उसके मुख पर एक हल्केपन का भाव था। गुलदस्ते को भी नेहा ने अपनी गोद में रखा था, मानो उन बहुरंगी फूलों से अपना श्रृंगार कर रही हो। उन बेजुबान फूलों ने अपने रंगों से एक अजनबी लड़की को, जो तकरीबन पाषाण बन चुकी थी, पुनः जीवित कर दिया था। वह दूसरी तरफ इंसानों ने अपना असली रंग दिखाकर एक हस्ती खेलती लड़की की आत्मा को ही मार दिया था। मैं भीतर गया और नेहा को बिस्तर से उठाकर आईने के सामने खड़ा किया और बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, अपने आप से ही नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैंने एक हार उसके गले में पहनाया और शीशे पर चिपकी एक बिंदी उसके माथे पर लगा दी। धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाकर उसने अपनी आंखों से अपने आप को देखा, तब उसकी भीगी पलकों ने मुझे वह सब कुछ बता दिया जो वह मुझसे कहना चाहती थी। उसके गीले चेहरे के बीच अंततः मुझे वह दिखाई दिया जिसकी प्रतीक्षा मैं कितने समय से कर रहा था। मैंने कहा, मैंने नेहा की वही मुस्कान उसके चेहरे पर देखी। उसने मुझे गले से लगा लिया, अब आंखें नम होने की बारी मेरी थी। मैंने प्रोत्साहित होकर कई नए एवं सुगंधित फूल उसके कमरे में रख दिए, सुंदर तस्वीरें बड़ी करवाकर दीवारों पर लगा दी। उन तस्वीरों में उगता सूरज, उड़ते पंछी, सुंदर घर, नैसर्गिक सौंदर्य आदि थे। उनमें नेहा की कई तस्वीरें भी थी जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। एक तस्वीर मेरे साथ हमारी शादी के दिन की थी जिसे वह बड़े ही चाव से निहार रही थी। इन यादों के सिवा मैं उसे और दे ही क्या सकता था, उसको सुरक्षा तो दे नहीं पाया था, इसीलिए उसका गुनहगार तो मैं भी था। मेरे प्रयासों से उसके विचार और उसका व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आने लगे थे, परंतु मुझे इस बात का संशय अभी भी था कि क्या मैं कभी भी उसे बिल्कुल पहले जैसा बना पाऊंगा या नहीं। इन प्रयासों में कब समय बीता पता ही नहीं चला।
मैं कभी उसको घर से बाहर लेकर जाता, कभी उसके सगे संबंधियों से मिलवाता। मैं उसके भाव को लगातार निरीक्षण करता ताकि उस पर ज्यादा जोर न पड़े और धीमे धीमे उसमें बदलाव भी आने लगे। अब वह मुझसे सीमित ही सही बोलने लगी थी। उसके इर्द गिर्द सकारात्मक व खुशनुमा माहौल मिलने से उसके मानसिक भ्रम में कमी आ गई थी। यह भी भाग्य की विडंबना ही थी। वह दिन पुनः आ गया था जिस दिन गत वर्ष मैं उसे शादी के बाद पहली बार अपने घर लेकर आया था। उसने एक खुशहाल जीवन की कल्पना की होगी, परंतु वास्तविक रूप में उसे क्या मिला, इसे लेकर वह मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचती होगी। उस हादसे के बाद हमारे निकटतम संबंधियों के अतिरिक्त किसी ने हमसे मानवता का भी रिश्ता नहीं रखा। एक लड़ाई जहां नेहा लड़ रही थी, वही एक लड़ाई मुझे भी लड़नी पड़ी। अपने दफ्तर में ही मैंने कितनी नजरों का शिकार हुआ लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं किसी परग्रह से आया था। इंसानों के बीच इंसानों की क्या जगह है, ये भी मैंने इसी समय महसूस किया। हमसे अच्छे तो वो बेजुबान पशु है जो अपने मृत साथी को भी शुद्ध मन से विदा करते हैं। इन सब के मद्देनजर मेरा एक नियम बिल्कुल स्पष्ट था कि नेहा के साथ कोई हो न हो, मैं तो जरूर रहूंगा। हम दोनों एक छत के नीचे रहते एक साल हो गया था। अपनी शादी की पहली सालगिरह पर मैं नेहा को क्या उपहार भेंट करूं, इसका निर्णय भी कठिन था। यही सोचते सोचते नेहा के बिस्तर के समीप एक कुर्सी पर मेरी आंख लग गई। अगले दिन मेरी नींद इन शब्दों से खुली, हैप्पी एनिवर्सरी साहिल। हाथों में गुलदस्ता और एक प्यारी सी मुस्कान लिए सामने खड़ी थी नेहा। नीला सूट, सफेद चुनरी, गले में हार और माथे पर बिंदी लगाए। नेहा को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। नेहा ने यह लड़ाई आखिरकार जीत ली थी और जीते हुए योद्धा की भांति वह मेरे सामने शान से खड़ी थी। खुशी की सभी सीमाओं को पार करके मेरे अश्रुओं ने उसका अभिवादन स्वीकार किया और उसे गले से लगा लिया। खुशी में गदगद मेरे कंठ को शब्द नहीं मिल रहे थे। इतने अनमोल तोहफे की मैंने कल्पना नहीं की थी। मैं बस इतना ही कह पाया, तुम्हें भी आज का दिन और एक नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिखें।